बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी नूरुल हुदा। नेम है विदानी वीडियो से। गाइस कैसे हैं आप? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत होंगे। सो गाइस, आज जो है मैं ट्राई करने वाली हूँ कोरियन स्टाइल चिली ऑयल मैगी। तो फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं और देखते हैं कि ये जो है वो कैसी बनती है। तो क्योंकि माशाल्लाह से मतलब सबने ये खानी थी, तो इसलिए जो है मैंने तीन पैकेट ये देखें इस तरीके से नूडल्स ले लिए थे, ठीक है। और इसका जो टेस्ट मेकर है वो मैंने एक साइड पे रख दिया है। और ये जो नूडल्स हैं इनको हम जो है वो गर्म पानी में डाल के इनको बॉईल कर लेंगे। और जैसे ही जो है ये बॉईल हो जाएंगे तो इतनी देर हम क्या करेंगे, छोटा छोटा जो है ना मैंने लहसुन बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया था, और लहसुन को जो है मैं डालूँगी फ्राइंग पैन में या जिस बर्तन में आपने सर्व करना है। बस ये ख्याल रखें कि उसके अंदर हमने गर्म गर्म ऑयल डालना है, तो उससे ये है कि आपके जो बर्तन है उसको बिल्कुल भी नुकसान ना पहुँचे, तो वो वाला बर्तन यूज़ कर लें। मैंने फ़िलहाल फ्राई पैन लिया है, तो इसके अंदर डाल देंगे टेस्ट मेकर। साथ में मैं इसमें डालूंगी दो खाने के चमचे चिली सॉस। साथ में इसमें डालूंगी मैं दो से तीन खाने के चमचे सोया सॉस। अगर आपके पास चिली सॉस ना हो और सोया सॉस ना हो तो आप बेशक स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन सोया सॉस से ये है कि इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। तो बिल्कुल हल्की सी आँच जो है ना नीचे जल रही है, ठीक है, ताकि ये हमारे जो नूडल्स हैं वो थोड़े गर्म रहें। तो आपने बिल्कुल भी इनको पकाना नहीं है। जो मसाला है आपने इसमें भी ऐसे ही डाल देना है, ठीक है। इसमें मैं जो है वो केचप डालूंगी, चिली गार्लिक सॉस में डालूंगा। आप चाहे तो केचप भी यूज़ कर सकते हो, ये ख़त्म हो गई थी। और वैसे मुझे नूडल्स में जो है वो इतनी ज़्यादा अब मुझे पसंद भी नहीं है। अच्छा, साथ में इसमें डाल दूँगी मैं आधा चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच नमक डाल दिया, आधा चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दिया। और इसके बाद ये देखें ऑयल जो है वो हमारा बहुत ज़बरदस्त गर्म हो चुका है। तो इसको भी मैं क्या करूँगी, जो मसाला हमने तैयार किया है इसको मैं मिक्स कर लूँगी। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, मिट्टू मेरा पीछे चीखे जा रहा है। तो इसको मैंने मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से। आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ी सी ब्लैक पेपर भी ऐड कर सकते हैं और थोड़ा सा ऑरिगेनो भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा इसके अंदर। तो अब जो है ना मैं क्या करूँगी, ये जो ऑयल हमने गर्म किया था ये आपने डायरेक्ट इसके अंदर डाल देना। और आप देख सकते हैं ये इतने ज़ोर से धमाका हुआ है, ये तो तड़का लगा दिया है हमने, ठीक है। तो बस ये आपने इसके अंदर ऑयल डाल देना है और इसको मिक्स करेंगे, ठीक है। मिक्स करने के बाद जो है इसके अंदर मैं डालूँगी जो हमारी बॉयल्ड नूडल्स हैं, इनको मैंने बॉईल करके क्योंकि साइड में रख दिया था, उसकी वजह से ये बिल्कुल आपस में ना थोड़े से चिपक गए थे। तो मैंने क्या किया, जो रूम टेम्परेचर वाटर होता है वन पे से मैंने थोड़ा सा स्ट्रेन कर दिया था ताकि वो जो नूडल्स हैं हमारे वो खुल जाएं। ये मैं इसमें थोड़े थोड़े करके डालूंगी और सारे मिक्स करने के बाद जो है मैं आपको दिखाती हूँ। देखें गाइस, टू बी ऑनेस्ट बहुत मज़े के बने थे। आप इसमें थोड़े से जो है वो सेसमी सीड्स भी ऐड कर सकते हैं और ऑलिव ऑयल का भी आप चाहें तो इसमें यूज़ कर सकते हैं। कुछ चीज़ें जो आप चाहें तो उसमें स्किप कर दें, कुछ चीज़ें आप चाहें तो उसमें ऐड कर सकते हैं। थोड़ी सी आप ऊपर से स्प्रिंग ऑनियन डालें, मेरे पास नहीं थी इसलिए मैंने नहीं ऐड करी। सो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। एंड या गाइज, मैं आपको बता दी चलो मेरी वीडियो शायद बहुत ज़्यादा लेट हो जाएंगी, जो कि ऑलरेडी लेट हो चुकी है। मैं वीडियोज़ वगैरह इसलिए भी आप सबके साथ नहीं शेयर कर पा रही बिकॉज मेरी जो है वो फैमिली फंक्शन वगैरह ये सब चल रहा है, तो इस वजह से जो है मैं रेसिपीज़ वगैरह आप सबके साथ नहीं शेयर कर पा रही हूँ। हाँ, इंशाल्लाह हो सकता है मैं बीच बीच में आप सबके साथ शेयर करती रहूँ, तो प्लीज़ स्टे ट्यून। और मे भी आगे जो मेरे इंशाल्लाह व्लॉग्स आप सबको देखने को मिलते रहेंगे। तो या मैं चलती हूँ, मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।